हेलो गाइस, फिर से स्वागत करता हूँ हमारे एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं तो आप हमें दोस्तों अपना इंस्टाग्राम दोस्तों कैसे ओपन कर सकते हो, कैसे खोल सकते हो। अगर आपने यहाँ पे नया नया इंस्टाग्राम दोस्तों यूज करना स्टार्ट किया है और दोस्तों अभी अभी आपने अपना इंस्टाग्राम दोस्तों डाउनलोड किया है, दोस्तों आप उसमें दोस्तों कैसे अकाउंट बना सकते हो और उसको कैसे ओपन कर सकते हो, ठीक है। इस मतलब कैसे सारा प्रोसेस बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको कहीं भी स्किप नहीं करना। चलिए दोस्तों बिना देर के हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर दोस्तों अपने इंस्टाग्राम को ओपन करना चाहते हो या दोस्तों खोलना चाहते हो उसमें अकाउंट, दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको अपना यहाँ पर इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। जैसे आप इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हो ना, जैसे शुरू शुरू में ओपन करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आप इसको दोस्तों कैसे खोल सकते हो, कैसे ओपन करोगे, जिससे दोस्तों आप रील देख पाओ और दोस्तों मतलब अपने दोस्तों से चैट कर पाओ, मतलब फॉलो भी कर पाओ लोगों को। इसके लिए सिंपली गाइस आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक फोन नंबर और एक ईमेल। अगर आप दोस्तों फोन नंबर से अपना इसमें अकाउंट बनाना चाहो तो फोन नंबर से भी बना सकते हो, ईमेल से बनाना चाहो तो ईमेल से भी बना सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको अपने फोन नंबर से बना के दिखाने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले दोस्तों आपको अपने यहाँ पे फोन नंबर दे देना है। जैसे मैं यहाँ पे अपना एक फोन नंबर देता हूँ, गाइस आपको भी अपना एक फोन नंबर यहाँ पे दे देना है। गाइस जैसे आप अपना फोन नंबर दे देते हो, गाइस आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, गाइस जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो ना, गाइस आपने जो भी फोन नंबर दिया होगा दोस्तों, एक छोटा सा ओटीपी जाएगा, एक लॉगिन कोड जाएगा। तो सिंपली गाइस वो यहाँ पे लॉगिन कोड डाल देना है और गाइस वो सिम आपके इस फोन में डली होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लॉगिन कोड डाल देते हो, गाइस सबसे पहले दोस्तों आपको अपना फुल नेम दे देना है, जो भी आपका नाम हो वो यहाँ पे दे देना है। फिर गाइस आपका यहाँ पे नीचे एक पासपोर्ट दे देना और दोस्तों ये पासपोर्ट आपको याद रखना है ताकि फ्यूचर में अगर आप यहाँ पे दोस्तों अपना फोन रिसेट करते हो या दोस्तों इंस्टाग्राम डिलीट करते हो तो यहाँ पे फिर से आप इसमें लॉग इन कर पाओ वही आपका ओल्ड अकाउंट के साथ। चलिए मैं आपको यहाँ पे कोई भी एक पासपोर्ट बना के दिखा देता हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी एक पासपोर्ट डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ भी एक पासवर्ड डाल दिया, फिर कंटिन्यू एंड सीन्स पे आपको क्लिक कर देना है। गाइस जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, गाइस सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ, गाइस आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली है, फिर गाइस आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, गाइस आपको अपने एक यूजर नेम सेलेक्ट कर लेना है, पूरा डिफरेंट होना चाहिए, मतलब सबसे डिफरेंट। जैसे मैंने यहाँ पे अमन डाल दिया, अमन डालने के बाद गाइस आप कुछ भी डाल सकते हो, 6 7 5 4 4, मतलब जो मैच करना चाहिए। जैसे देखिए ये मैच कर गया, मेरा टिक हो गया। जैसे टिक आ जाए ना गाइस आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों आपको अलग अलग यूजर नेम डाल के देखना है, जिस पर टिक आ जाए गाइस उसको आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। गाइस जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे लिख के आ चुका है रजिस्ट्रेशन। दोस्तों मतलब कुछ देर यहाँ पे प्रोसेस, यहाँ पे कुछ सेकंड लग सकते हैं आपको, यहाँ पे कुछ देर वेट कर लेनी। वेट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं दोस्तों, फाइंड फ्रेंड्स और दोस्तों स्किप। तो गाइस आपको यहाँ पे स्किप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्किप पर क्लिक करते हो, गाइस चलिए हम स्किप पर क्लिक कर देते हैं। गाइस यहाँ पे लिखा आ चुका है ऐड फोटो। अगर दोस्तों आपकी जो प्रोफाइल नहीं होती इंस्टाग्राम की, अगर आप उसमें फोटो लगाना चाहते हो तो दोस्तों ऐड ए फोटो पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं ऐड ए फोटो पे क्लिक करता हूँ। अगर नहीं लगाना चाहते हो तो आप सीधा डायरेक्ट स्किप भी कर सकते हो। फिर चलिए हम चूज फॉरम गैलरी पे क्लिक करते हैं। गाइस आपका लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर गाइस आपकी गैलरी खुल जाएगी, आप जो मर्जी फोटो लगा सकते हो। चलिए मैं आपको कोई भी फोटो लगा देता हूँ, मतलब फेसबुक का ही लगा देता हूँ। फिर गाइस आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जो होता है ना ऊपर एरो, गाइस आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, गाइस फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइस फिर से आपको यहाँ पे एरो वाले ऑप्शन मिल रहे हैं, गाइस आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे देखिए आपका अकाउंट बनके तैयार हो चुका है। गाइस आप इस तरीके से दोस्तों अपना एक अकाउंट बना सकते हो इंस्टाग्राम में और दोस्तों अपना इंस्टाग्राम ओपन कर सकते हो। देखिए गाइस हमारा यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन हो चुका है, देखिए यहाँ पर इंस्टाग्राम हमारा चालू हो चुका है। यहाँ से आप रील भी देख सकते हो, देखिए यहाँ पर रील आ चुकी है हमारी, यहाँ से चाहो रील भी देख सकते हो। अगर किसी को फॉलो करना चाहो तो यहाँ से देखिए किसी को फॉलो भी कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपके आसपास के लोग आ जाएंगे, दोस्तों जो भी प्रॉपर है ना दोस्तों, मतलब जो भी फेमस है वो लोग आ जाएंगे दोस्तों, आप यहाँ पे उनको फॉलो भी कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ से देखिए सर्च का ऑप्शन मिलता है, दोस्तों आप किसी के आईडी भी यहाँ से सर्च मार सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे देखिए स्टोरी वाला ऑप्शन है, यूआर स्टोरी, आप इस पर क्लिक करके दोस्तों अपनी एक स्टोरी भी डाल सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है ना तो नीचे कमेंट कर देना दोस्तों, उसका रिप्लाई मैं और